924 से कमल मामपलिवार। मैं माननीय तायड़े साहब जो PSO है नागपुर ज़िले के, इनसे मैं कुछ प्रश्न करना चाहूँगा कि अनाज की व्यवस्था और लोगों तक जो अनाज की व्यवस्था जो पहुँची है या कि पहुँचने वाली है, या आगे कितने दिन का ये स्टॉक देने वाले हैं, ऐसा कोई शासन ने निर्णय लिया हो तो कृपया हमें बताएं। मुझे अभी जो आपकी देश की हालत जो देख रहे हैं अभी कोरोना वायरस का, सबसे पहले मैं मेरे आपके माध्यम से लोगों को अपील करूंगा कि आप कृपया घर से मत निकलिए, जितना हो सके उतना उसको रोकने के लिए आप प्रशासन को सरकार कीजिए। और जो रहिए आपने जो पूछा, तो गवर्नमेंट ने भी उसमें अभी यानी कल से बहुत दिनों से उन पर चर्चा शुरू की, आज लेटर भी भेज दिया कि सभी लाभधारक कारधारक को 3 महीने का यानी जून एंड तक जो है गेहूँ चावल जो अपना अनाज है राशन इनका वो उनको मिलेगा, ऐसा लेटर भी भेजा है। और सभी जब भी हमने अभी मीटिंग भी बुलाई है हमारे जो आयोज है जेडोज है उनकी, और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा जल्दी से जल्दी, और 3 महीने का राशन इस पत्र के अनुसार हम देने वाले लाभार्थी को। तो अभी इसके लिए तो हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक है 3 महीने का, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, और वो बच जाएंगे। सर ये परिस्थिति जो निर्माण हुई है ये आपका अंदाज कब तक है, कब तक इसे बंद का माहौल बना रहेगा? अभी ये तो ये स्थिति तो मैं नहीं बता सकूँगा क्योंकि वो इसे अपने तरफ नहीं है। मैं सिर्फ एक ही इस पर फोकस करूँगा कि मेरा जो अनाज है, मेरा जो लाभार्थी है उसको जल्द से जल्द अनाज पहुँचे, मैं इस पर कॉन्सेंट्रेट करूँगा। क्योंकि और भी काफ़ी ऐसी खबर लगी है कि कुछ रेस्टिंग दुकानदार जो मतलब हमको बराबर नहीं दे पा रहे, कुछ कंप्लेंट आई थी, इस विषय पर आपको बोलना चाहेंगे? अभी तो देखिए सामाजिक परिस्थिति जो है और सामाजिक परिस्थितियों में सभी ने मानव धर्म के अनुसार रहना चाहिए, सभी को अनाज मिलना चाहिए, यही अभी मैं कह सकूँगा। अब जो भी 1-2% रहते होंगे उनको तो अभी ये स्थिति नहीं है कि उनके ऊपर ध्यान दें, लेकिन ये मैं कह सकूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभार्थी तक अपना अनाज पहुँचे जरूरी अभी से हालत में, तो वो हम कर लेंगे। सर इसके लिए और भी कोई उपाय योजना जो मास्क के बारे में, सैनिटाइजर के बारे में, जितनी भी एक सप्लाई सरकार की तरफ से सप्लाई, जैसे हमारे स्वच्छता अधिकारी हैं, स्वच्छता कर्मचारी हैं, अनेक ऐसे लोग हैं जो लोग जो जरूरी है जो घर से बाहर निकलते हैं, पुलिस अधिकारी है, पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकी है, तो यहाँ पे ऐसी सफाई या स्वच्छता के लिए या सैनिटाइजर की व्यवस्था या मास्क की व्यवस्था ऐसी प्रशासन के द्वारा कुछ हुआ है? जी जहाँ तक मेरे डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट विषय है, वहाँ तक हमने परसों के दिन ही जो हमारे माथाड़ी कामगार लोग हैं और जो वॉलंटियर वर्कर्स हैं उनके लिए हैंड वॉश, सैनिटाइजर, मास्क वो लगाने के जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको पहले से बता दिया है और वो इंप्लीमेंट हो रहा है प्रोग्राम के, और उनको जरूरी किया है। और अभी जो 144 लगा है आने जाने के लोगों को थोड़ा तकलीफ हो रहा है हमारे वर्कर्स को, उनको हमने आईडेंटिटी कार्ड भी हमारे लोगों को दे दिया है। 924 से कमल लामपलिवार। अभी तायड़े साहब ने जो नागपुर शहर की व्यवस्था और अपनी तरफ से शासन निर्णय के अनुसार जिस प्रकार से अनाज 3 महीने का अनाज एक साथ देने का जो उन्होंने वादा किया, 3 महीने का अनाज देने के लिए उन्होंने सप्लाई भी शुरू कर दिया, सभी राशनिंग के माध्यम से सभी गरीब लोगों को और जो कार्ड धारक है उन सभी को अनाज और जो मिलने वाला राशनिंग में मिलने वाला सभी प्रकार का जो कड़धान्य है, शक्कर है, चावल है, गेहूँ है, ये सभी कुछ मिलने वाला है। तो इसलिए तायड़े साहब को बहुत बहुत धन्यवाद।